तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल द अनुज पांडे पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि टाटा मोटर्स अभी 6 तारीख को कुछ बहुत ही बड़ा धमाका करने वाली है, और अगर हम इसमें बात करें तो काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि टाटा मोटर्स की आने वाली है शेयर, बट हमने कहा कि ये हो सकती है टाटा नेक्सॉन की ईवी। यस, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के ईवी ने पूरे तरीके से मार्केट को पकड़ लिया है। अगर हम बात करें दोस्तों, महाराष्ट्र और गोवा में एक दिन में आप विश्वास नहीं करोगे, 812 गाड़ी डिलीवरी की गई है। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट में ये एक ऐसा इतिहास में लिखा जाने वाला एक ऐसा इतिहास है जो ये हम सबको पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों बस आप एक बात सोच के देखिए कि 712 इलेक्ट्रिक व्हीकल महाराष्ट्र और गोवा में टाटा मोटर्स ने कर दी डिलीवरी। इतने बेहतरीन तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में इनको पकड़ पाना एकदम ही नामुमकिन है, क्योंकि यही कोशिश तो हुंडई भी कर रही है और यही कोशिश अपनी मारुति भी कर रही है। लेकिन टाटा मोटर्स जिस तरह से प्लानिंग करके आई है और 1.2 बिलियन के आसपास की इन्वेस्टमेंट भी होने वाली है, जिसके वजह से आपने और हमने देखा कि शेयर मार्केट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से उछाल भी उठी थी। उसके बाद से हमें यहाँ से देख के ऐसा लगता है कि टाटा मोटर्स अब यहाँ से पीछे हटने वालों में से नहीं है। और अगर हम आने वाले फ्यूचर, जैसा कि गवर्नमेंट के पॉलिसी के तहत हम बात करें, तो कि आने वाला फ्यूचर जो भी होगा वो हमेशा से ईवी के तरफ ही बढ़े, क्योंकि पेट्रोल और डीजल को चार हल से हटाओ यार और इलेक्ट्रिक व्हीकल लाओ। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा लीजिए। दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।